हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो बॉलीवुड टॉक। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि तारक मेहता शो की अंजलि भाभी ने, यानी कि एक्ट्रेस नेहा मेहता ने 12 साल के बाद तारक मेहता शो छोड़ दिया है। और दोस्तों, इसके लिए ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी अभी तक, ना ही एक्ट्रेस नेहा मेहता की तरफ से और ना ही तारक मेहता शो के मेकर्स की तरफ से। लेकिन दोस्तों, फाइनली अंजलि भाभी ने इसके बारे में अपना बयान दे दिया है। और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है तो ये आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो गाइस, उससे पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो अब अंजलि भाभी का रोल होंगी वो ये एक्ट्रेस करने वाली हैं, सुनैना फौजदार। तो अब हमें जो अपकमिंग एपिसोड आएंगे उनमें तारक मेहता की वाइफ का रोल ये एक्ट्रेस करती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद दोस्तों, ये जो है उनका बयान आया है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई हैव वर्क 12 अमेजिंग ईयर्स एट दिस अमेजिंग शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड आई एम फॉर एवर थैंकफुल फॉर द ब्यूटीफुल करियर आई हैव हैड। टू माई अमेजिंग रिस्पेक्टेड आसित कुमार मोदी जी, को एक्टर्स, TMKOC, होल टीम, आई अप्रिशिएट द हार्ड वर्क यू हैव डन कम्प्लीटिंग सम ऑफ आवर ब्यूटीफुल जर्नी। आई हैव नेवर हैड सो मच फन बिफोर। आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द शो बट आई विल मिस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द वर्क एंड जेनरोसिटी ऑफ सच ब्रिलियंट कोलीग्स। थैंक यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। शो मस्ट गो ऑन। नेहा SK मेहता, अंजलि मेहता। तो यहाँ पर दोस्तों, उन्होंने सबको थैंक यू बोला है और उन्होंने कहा है कि उनका जो एक्सपीरियंस था अब तक 12 साल काम करने का, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। तो गाइस, यहाँ पर साफ हो गया है कि अब शो में ये वाली अंजलि मेहता नज़र नहीं आएंगी बल्कि ये वाली अंजलि मेहता नज़र आएंगी। तो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, या एक्साइटेड हो कितने इसके बारे में कि शो में एक नया एक्टर, एक जो इम्पोर्टेंट रोल था काफ़ी लंबे टाइम से, वो करता हुआ नज़र आएगा? तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिस ना कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।